Ajoute. फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? ओह हेलो मैडम, आ गई फाइनली। और किसी पेपर वेपर पे साइन नहीं करने वाला हूं मैं तो, आई एम श्योर तुम गोवा चल रही होगी मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, मुझे वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि एक साल तक इस शादी में रहने के लिए मजबूर हूं ना, तो ये मेरा कब्र है ना। और वैसे भी आपने मेरी डील तो मंजूर की नहीं, तो गोवा तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मैं गोवा नहीं गई तो आपको ये डील मिलने से रही, करेक्ट? करेक्ट। गलती मेरे डैड की है, जरूरत से कुछ ज्यादा बता दिया उन्होंने डील के बारे में तुम्हें। और डैड भी ना, ऐसा क्या जादू किया तुमने उनपे? हाँ तुम्हारा असली चेहरा देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है उन्हें कि अभी तुम चीज क्या हो एक्चुअली। हेलो, कोई चीज वीज नहीं हूं मैं। वैसे मानना पड़ेगा आपके डैड इंसानों को परखने में कम से कम मुझसे तो बेटर है। वो उन्होंने मुझसे कभी ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन उन्हें पता है कि मैं ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती। आपको देखिए, इतनी बातें की आपसे, चाय पिया, नूडल्स खाया, तो क्या हुआ? मैंने आपको बहुत अच्छा इंसान समझा था, अपनों से लड़ गई ये बोल के कि नहीं उनका गुस्सा बुरा हो सकता है। विराट सर इंसान बुरे नहीं, उनके बोल कड़वे हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान गलत नहीं है। कभी किसी लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन मैं गलत साबित हुई ना। अब ये जबरदस्ती की शादी उसी बात का सबूत है। नहीं, वैसे आपको क्या लगता है, ये जबरदस्ती शादी करके अपनी बात मनवा के आपने इंसाफ किया है? ना इंसाफी की है, जिसके लिए आपको कभी माफी नहीं मिलेगी मुझसे। मैं तो मर रहा हूं ना तुम्हें माफ करने के लिए। मैंने माफी मांगी का? मांगना भी मांग। गॉड। एक सेकंड, वीडियो बना लीजिए ना मेरा, अपने घर पे भेजोगी, दिखाओगी कि मैं काम करवाती हूँ, हस्बैंड हूँ तुम्हारा, वाइफ हूँ तुम्हारी। क्या क्या क्या? मेरा कहने का मतलब है यहाँ बैठे बैठे मुफ्त का खाना बंद करो, कुछ काम कर लो, या मेरी हेल्प करो या घर के काम करो, छोड़ो इसे। अरे वीडियो रिकॉर्ड किया, दिखाओ मुझे। अरे मुझे कोई काम नहीं, आपका वीडियो रिकॉर्ड करती बैठूंगी। फोन दो, हस्बैंड हूँ तुम्हारा। अरे थोपे हुए, जबरदस्ती के हस्बैंड है। और ये क्या है, दूसरों की पर्सनल चीजों में आपको ताकाचाकी करनी है? मैं देखती हूँ कि आपके मैसेजेस दीजिए, ऑर्डर नहीं सुनूंगी आपके। बाप नहीं है मेरे। अरे तुम्हारे बाप बनने का शौक भी नहीं है किसी को, ईशिका से प्यार नहीं है।